hello everyone welcome to our youtube channel this is vikas kumar on my youtube platform AgriWords education friends this video is in continuation of our lecture series that is pib 1E in which we will discuss the important pib releases which are most important for your upcoming examinations so let's move to the first release and this release is from ministry of home affairs union ministry uh, union home minister and minister of cooperation sri amit to chair seventh apex level meeting of सीओ आर डी नार्को कोर्डिनेशन सेंटर ऑन थर्स जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इन न्यू दिल्ली देखो आज की वीडियो में हम सिक्स एंड सेवनटीन के जितने भी जितनेटेंट प्रेस है, उनको हम यहाँ पर तो पहला रिलीज को हम यहाँ पर तो इसमें तो इस क्या बोला गया कि जो ये मीटिंग करी जाएगी नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर के लिए तो उसमें एक नेशनल नार्कोटिक्स हेल्पलाइन को लॉन्च करने का यहाँ पे बात करी गई है मानस एंड इनोग्रेट एनसीबी जोनल ऑफिस एट श्रीनगर एक जोनल ऑफिस खोला जाएगा नार्कोटिक कोऑर्डिनेशन सेंटर का जो कि श्रीनगर में और एक हेल्पलाइन मानस यानि कि मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र तो ऐसे ही कुछ ये एक लॉन्च किया गया है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग टू कप द मीनिस ऑफ ड्रग्स आपको ये पता होगा कि आजकल जो यूथ है जो न्यू यूथ है यंग पीपल्स हैं वो लोग क्या कर रहे हैं ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे हैं अफीम चरस कंजा इसका ये लोग ट्रैफिकिंग कर रहे हैं तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को करने की बात करी गई है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो प्रधानमंत्री का गोल है कि ड्रग फ्री इंडिया बाई ट्वेंटी तो इसमें तीन स्ट्रेटजी पर मेन फोकस किया है पहला है स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर दूसरा है कोर्डिनेशन अमंग ऑल नार्को एजेंसीज एंड एक्सटेंसिव पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन तो इन तीन स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो नारकोटिक या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग की जा रही है उसको रोकने की यहाँ पे बात करी गई है अगला है वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फॉरम 2024 ट्वेंटी ऑन फिफ्टीन ऑफ जुलाई 2024 एंड दिस डेज इज़ फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर तो इसमें यहाँ पे क्या बात करिए कि इंडिया फर्स्ट टाइम यूनेस्को प्रेस्टीजियस वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग को यहाँ पे होस्ट करने जा रहा है और यह किया जाएगा ट्वेंटी ऑफ जुलाई से थर्टी ऑफ जुलाई इन न्यू दिल्ली एंड इट इज़ अ इंटरग्र पार्ट पार्ट ऑफ फोटी सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी एंड इन द फ्रेमवर्क ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज एजुकेशन प्रोग्राम तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर क्या कर रही, इसको यहां कर रही है इसको यहाँ पे होस्ट कर दिया वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम को और जो ये किया जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक सब ऑफिस है तो यहाँ पे इस फोरम को यहाँ पे कमेटी की मीटिंग यहाँ पे करी जाएगी अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो वर्ल्ड हेरिटेज है ट्वेंटी सेंचुरी में यहाँ पे थीम रखा गया है बिल्डिंग कैपेसिटीज एंड एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ फ्रॉम फोर्टीथ टू ट्वेंटी जुलाई ट्वेंटी एट न्यू दिल्ली ठीक है तो इसके अंदर क्या बात करी जाएंगी जो स्किल्स है जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनके जो स्किल्स हैं उसको प्रमोट किया जाएगा उनकी एक्सपर्टीज़ को वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा और जो हमारा जो कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज है उसको भी डिस्कस किया जाएगा और इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ सब थीम्स भी हैं जिनको डिस्कस किया जाएगा लाइक अंडरस्टैंडिंग द अचीवमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज की बात करी जाएगी उसका इंपैक्ट क्या पड़ा है वर्ल्ड हेरीटेज साइट पर इसको डिस्कस किया जाएगा इसके साथ साथ जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है जो वर्ल्ड हेरीटेज को प्रमोट कर रही हैं उन सबको भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा कैसे इनका कंजर्वेशन करना है जो यूथ है उनका कैसे पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है इस चीज में अवेयरनेस लानी है तो इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे टूरिज्म को कैसे प्रमोट करना है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करी जाएंगी अगला देखिए देखिए आप हेडिंग में मत जाइएगा फाइनल इस प्रिपरेशन फॉर यूनियन बजट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव विथ कस्टमरी हलवा सेरेमनी इन न्यू दिल्ली टुडे आपको भी पता होगा जब फाइनल स्टेज आ जा जाता है बजट प्रिपरेशन का तो हलवा सेरेमनी किया जाता है बाय द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स तो इस बार भी लास्ट ईयर की तरह निर्मला सीतारमण जी और जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फाइनेंस के श्री पंकज चौधरी इन्होंने हलवा सेरेमनी को यहाँ पर किया न्यू दिल्ली में और इस बार का जो ये यूनियन बजट है वो ट्वेंटी ऑफ जुलाई को रिलीज़ किया जाएगा तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है I'm इंपॉर्टेंट कि जितना भी यूनियन बजट का जो डॉक्यूमेंट्स होगा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा जिसको हम बजट बोलते हैं कि फाइनेंशियल बिल कितना है और किस सेक्टर में कितना यहाँ पे बजट यहाँ पे एलोकेट किया है तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यूनियन बजट मोबाइल ऐप जब ट्वेंटी थर्ड जुलाई को सब अनाउंस हो जाएगा उसके बाद ही आप इस ऐप में सारी चीज़ें जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको यहाँ पे आप एक्सेस कर पाएंगे और ये बाईलोंगल है इंग्लिश एंड हिंदी ठीक है या फिर आप वेबसाइट पर भी जा सकते हैं इंडिया बजट डॉट जी ओ वी डॉट इन यहाँ पर आपको ऐप का लिंक भी मिल जाएगा तो ये कुछ न्यूज़ थी ये देखिए इमेज में यहाँ पर हलवा सेरेमनी की जा रही है अगला है एट्टी फोर थाउजेंड वन हंड्रेड एंड नाइनटीन चिल्ड्रन रेस्क्यूड बाई आर पी एफ अंडर ऑपरेशन नन्े फरिश्ते अगर आपसे पूछा जाए ऑपरेशन नन्े फरिश्ते क्या है तो ये जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उन लोगों के चलाया गया एक मुहिम है एक ऑपरेशन है जिसमें कि जो चिल्ड्रन्स हैं जो खो गए हैं या फिर जो अनाथ हैं उनको रेस्क्यू किया जाता है और ये 2018 से चल रहा है 2018 से 2024 की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट एट्टी फोर चिल्ड्रंस को यहाँ पर रेस्क्यू किया गया है इसके साथ साथ जो आर है ये यहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन भी चलाती है और इसके साथ साथ एक चाइल्ड पोर्टल भी बनाया गया है जिसमें कि जो मिसिंग चाइल्ड है उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे सकता है इसके साथ साथ चाइल्ड हेल्प डेस्क भी बनाया गया है कुछ कुछ रेलवे स्टेशन में तो यहाँ पे क्या किया जाता है जितने भी चाइल्ड्स हैं बच्चे हैं उनको रेस्क्यू किया जाता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा उसको हैंड ओवर कर दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ठीक है और अगर उनके पेरेंट्स अगर उनको पता चल जाता है इनके पेरेंट्स कौन है तो उनको हैंड ओवर कर दिया जाता है तो ये कुछ नहीं उसकी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था बस आपको ये याद रखना है कि ऑपरेशन न परिस्थिति किससे रिलेटेड है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल होल्ड्स मीटिंग विद काउंटर पार्ट्स एट जी ट्रेड मिनिस्टर मीटिंग इन इटली और इटली में ही इस साल का जी सेवन सब्मिट भी हुआ था आपको पता होगा जून थर्टीन से लेके गए ऑफ जून ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को फसानो अपूलिया इटली में फिफ्टी एथ जी सेवन सबमिट को हेल्ड किया गया जी सेवन कंट्रीज़ में कौन कौन से कंट्रीज आती हैं कनाडा है फ्रांस जर्मनी इटली जापान एंड यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स तो यहाँ पर जो गोयल जी हैं इन्होंने क्या हाईलाइट किया कि जो हमारा ग्लोबल सप्लाई चेन है इन फील्ड ऑफ मिनरल्स सेमी कंडक्टर फार्मा एंड ग्रीन एनर्जी तो इसको प्रमोट किया जाना चाहिए और इसके साथ साथ उन्होंने हाईलाइट किया थ्री सीज कोविड कन्फ्लिक्स एंड क्लाइमेट चेंज उन्होंने बोला कि जितनी जी सेवन कंट्रीज हैं या बाकी कंट्रीज हैं उन सबको एक साथ आना चाहिए जो ये तीन थ्री थ्री सीज हैं लाइक कोविड कन्फ्लिक्ट एंड क्लाइमेट चेंज और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट को भी बताया थ्री एफ्स फ्रेगमेंटेड फ्रेजाइल एंड फ्रॉड विथ अनसर्टेनिटीज करेक्टराइजिंग द करेंट ग्लोबल कॉन्टेक्स एंड अर्स टू फॉर ग्रेटर अलाइनमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रेड एन्वायरमेंट एंड एनर्जी पॉलिसीज टू फोर्टी ग्लोबल सप्लाई चेक बेसिकली यहां पे ग्लोबल सप्लाई चेन पे फोकस किया गया है जो ग्लोबलाइजेशन है जो ट्रेड uh, है बिटवीन द कंट्रीज उसको यहां पे प्रमोट किया जाए इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंट एनर्जी सेमीकंडक्टर मिनरल्स फार्मा तो ये कुछ सेक्टर्स हैं तो फ्रेंड्स ये कुछ रिलीजेस थे आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही टाटा बाई बाई एंड टेक केयर